नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज आपको हम जानकारी देंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, जिसका बेसब्री से प्रतियोगियों को इंतजार था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पीओ के कुल 1673 पदों पर भर्तियां होंगी। प्रीलिम्स में सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा में शामिल होना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। 1673 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। उम्मीदवार SBI रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए परीक्षा का आयोजन 17 दिसंबर से 20 दिसंबर 2022 तक हुआ था। SBI में PO के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 12 अक्टूबर 2022 तक का समय मिला था। अब प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हो गया है। बता दें, इस वैकेंसी के लिए मेंस परीक्षा का आयोजन भी जनवरी फरवरी में महीने में होने वाला है। रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। SBI PO रिजल्ट इन स्टेप से चेक कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं। स्टेप टू में वेबसाइट की होम पेज पर करंट रिक्रूटमेंट के लिए लिंक पर क्लिक करें। स्टेप थ्री, इसके बाद SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्री रिजल्ट 2023 के लिंक पर जाएं। स्टेप फोर में अब के चेक रिजल्ट ऑप्शन पर जाएं। स्टेप फाइव में रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करें। स्टेप सिक्स में लॉगिन करते ही रिजल्ट खुल जाएगा। स्टेप सेवन, रिजल्ट चेक करने के बाद प्रिंट ले लें। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 1673 पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें रेगुलर के लिए 1600 पद, बैकलॉग के लिए 73 पद निर्धारित हैं। इसमें कुल वैकेंसी में से 648 पद जनरल के लिए, OBC के लिए 646 पद, EWS के लिए 160 पदों पर भर्तियां होंगी। इसके अलावा SC के 270 पदों पर और ST के 131 पदों पर भर्तियां की जाएगी। SBI प्रोबेशनरी मेंस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में भी जानते हैं। SBI PO मेंस एग्जाम दो भाग में होता है। पहले भाग में ऑब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। पहले भाग में 4 विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एटीट्यूड, डाटा एनालिसिस, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल नॉलेज शामिल हैं। कुल 155 प्रश्न 200 अंक के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी एवं कंप्यूटर एटीट्यूड से 45 प्रश्न, डेटा एनालिसिस से 35 प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित 35 प्रश्न और जनरल नॉलेज से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 3 घंटे की होती है। धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ, रोजगार से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको उपलब्ध करा सकें।